एस्टिमेट किया था, वो साल के अंत में जाते जाते 5,16,000 हो गया और इस बार उन्होंने 5,79,000 का कर्जा माना है, लेकिन मैं सोचता हूँ 6,00,000 से ऊपर तो सामान्य व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगेगा। तो इसके पास बजट ही नहीं है, केवल और केवल फीता काट करके भूमि पूजन का पत्थर जरूर लगा सकते हैं, बाकी 100% इन घोषणाओं को जमीन पर उतार ही नहीं सकते। और ये भी जानते हैं कि हमको 8 महीने उतारना थोड़ी है, हमें तो कोहनी पे गुड़ लगाना है, जिससे जितना सौदा पड़ जाए उतना पड़ जाए। जैसे 10 दिन में कर्जा पट गया और 50,000 वोट ज्यादा आने से मुख्यमंत्री बन गए, वैसे ही कुछ लोगों को भ्रमित करने का प्रयास जरूर करें, लेकिन राजस्थान की जनता इतनी समझदार हो गई है कि 13 में इनकी वो सारी घोषणा बजट घोषणा पढ़ना अब जो इन्होंने राज पेश किया था, उसके बाद केवल 21 रह गए नमूने के लिए, वैसी दुर्गति इस बार होगी, क्योंकि केवल और केवल घोषणाओं के अलावा जमीन पर कोई चीज नहीं उतारता है। क्या कटारिया जी को पता था कि उनको राज्यपाल बनाया जा रहा है, कब जानकारी मिली आपको? ना भैया, प्रधानमंत्री जी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, केवल प्रधानमंत्री जी ने मुझसे परसों टेलीफोन पे जरूर बात किया कि कैसे हैं क्या है, बस इतना पूछा था, बस इससे अधिक मेरी कोई बात नहीं। आज कब जानकारी मिली आपको? आज तो आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा मिली। ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं तो नाचकर पूजा करके बाहर आई था और आपके फोन आने शुरू हुए, फिर इधर से आए, फिर अधिकृत कागज भी हमने ये मंगाया, तो ये आपके सामने मंगाया, अभी हमें कोई जानकारी।